ये जो राम रतन धन है, ये जो भक्ति का धन है, सुमिरन का धन है, पूजा का धन है, इसे सबसे बड़ा धन क्यों कहा गया है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे सबसे बड़ा धन कहा गया है? तो आइए इन पंक्तियों को सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा क्यों कहा जा रहा है। खर्चे ने खूटे बाको चोर ने लूटे, खर्चे ने खूटे बाको चोर ने लूटे, खर्चे ने खूटे बाको चोर ने लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो बायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो बायो जी मैंने, राम रतन धन पायो बायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने, है राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये संसार रूपी भवसागर जो हम सबको एक दिन पार करना है, और इसे पार करने के लिए संतों ने बड़ा सरल रास्ता बताया, बड़ा सुगम मार्ग बताया है। सत्य की नाव, भवसागर पार करना हो तो लकड़ी की नाव से पार नहीं होगा, उसके लिए सत्य की नाव चाहिए। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर जायो पायो जी मैंने, भवसागर तर जायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम